सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे रेडमी के 70e एंड पोको एक्स 6 प्रो के यूज़र हैं सो आपके लिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है, जिसको देख करके आप यहाँ पे पूरी तरीके से शॉक्ड होने वाले हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, यहाँ पे शॉमी रेडमी के 70e में हाइपर ओएस 2.2 एंड्रॉयड 15 सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, क्योंकि रेडमी के 70e के 70 सीरीज़ का ही एक स्मार्टफोन है एंड शॉमी 14 सीरीज़ को भी यहाँ पे सबसे पहले हाइपर ओएस 2.2 देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पे इन दोनों स्मार्टफोन्स के रिगार्डिंग सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इस वाली वीडियो में केवल रेडमी के 70e की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करने वाला हूँ। रेडमी के 70e पोको एक्स 6 प्रो हाइपर ओएस 2.2 अपडेट इज़ नाउ स्पॉटेड। सो यहाँ पे रेडमी के 70e का फर्स्ट हाइपर ओएस 2.2 बेटा अपडेट यहाँ पे सक्सेसफुली स्पॉटेड कर लिया गया है, और ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ शॉमी फैंस के लिए यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। इसके रिगार्डिंग मैं लॉन्ग आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। रेडमी के 70e पोको एक्स 6 प्रो हाइपर ओएस 2.2 अपडेट इज़ नाउ स्पॉटेड। सो ये एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि रेडमी के 70e उसका फर्स्ट मेजर एंड्रॉयड अपग्रेड एंड फर्स्ट हाइपर ओएस का मेजर अपग्रेड यहाँ पे रिसीव करने वाला है, और इसके लिए ओएस 2.0.24.08.23.1.vnl.cnxm का चाइना स्टेबल अपडेट जो यहाँ पे बेटा बिल्ड में चल रहा है यहाँ पे सक्सेसफुली हाइपर ओएस के सर्वर में स्पॉटेड हो चुका है। सो ये बेटा वर्जन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड आपको पता है कि यहाँ पे शॉमी हाइपर ओएस का न्यू बेटा इंट्रोड्यूस करने वाला है क्वार्टर फोर में, एंड अकॉर्डिंग टू मी अक्टूबर के एंड में रेडमी के 70e को ये वाला बेटा बिल्ड, और यहाँ पे अगर फ्यूचर में कोई और बेटा बिल्ड यहाँ पे प्रिपेयर होता है सो वो यहाँ पे शॉमी रोल आउट कर सकती है रेडमी के 70e के लिए। सो क्या आप यहाँ पे पोको एक्स 6 प्रो रेडमी के 70e हाइपर ओएस 2.2 एंड्रॉयड 15 के लिए एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये वाला बेटा बिल्ड एंड्रॉयड 15 पे ही स्पॉटेड किया गया है। सो चाइना के बाद आपको ग्लोबल, इंडिया इन सब में भी देखने के लिए मिल जाएगा। सो सब्सक्राइब नाउ अगर आप यहाँ पे पोको एक्स 6 प्रो हाइपर ओएस 2.2 की लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखना चाहते हैं तो।